हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं केडी शर्मा। आपने एक साल पहले वीडियो देखी होगी चरक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की, जो कि उस टाइम पर यह चरक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बिल्कुल न्यू कॉलेज था, जिसमें कोई बैच नहीं था और पहला बैच आना था। आज मैं उसी कॉलेज में आया हूँ आपको दिखाने। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये चरक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की वही बिल्डिंग है। तो आज चलते हैं इस कॉलेज में। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, यह है एकेडमिक ब्लॉक। चलते हैं एकेडमिक ब्लॉक में। अभी मैं पहुंचा हूं चरक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के छात्रों के पास, जो कि यहाँ इनका प्रैक्टिकल चल रहा है। तो आपका किसका प्रैक्टिकल चल रहा है? आप लोगों को यहाँ का जो कॉलेज है उसकी फैसिलिटीज़ कैसी लगी? जैसे स्टडी बहुत अच्छी है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो एसोसिएट असिस्टेंट और प्रोफेसर हैं, वो सभी सब्जेक्ट के हैं? पंचकर्म प्रोसीजर के लिए क्या क्या अवेलेबल है? पंचकर्म के लिए यहाँ पे पांचों कर्मों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। नस्य के लिए अवेलेबल है, रेचन के लिए अवेलेबल है, वुमन के लिए अवेलेबल है। जो फैसिलिटीज कॉलेज में होनी चाहिए स्टैंडर्डाइज, वो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। एवं पंचकर्मा स्पेशलिस्ट भी अच्छे कॉलेजों से यहाँ पे अपॉइंट किए। अभी मैं आपको दो लोगों को यूनिफॉर्म में देख पा रहा हूँ। बाकी यूनिफॉर्म में अभी यूनिफॉर्म है, बाकी यूनिफॉर्म में नहीं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मंडे और थर्सडे यूनिफॉर्म होती है, तो आज फ्राइडे है, सो जैसे कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं, कुछ है यूनिफॉर्म। तो आप सभी लोग हॉस्टल में रहते हैं? यस। तो हॉस्टल की यहाँ फैसिलिटी कैसी है? हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी है, काफी बड़े रूम्स हैं, फोर सीटर रूम्स हैं, हमें हर फैसिलिटी मिल जाती है। एक रूम में चार बच्चे रहते हैं और अच्छे खासे बड़े रूम्स हैं हमारे। गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग? जी बिल्कुल अलग है। ओके, आप लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया, आप खुश हैं यहाँ पर? किसी चीज की कोई दिक्कत? जैसे कि फर्स्ट बैच में सभी को प्रॉब्लम होती है कि ये चीज नहीं है यहाँ पर, वो चीज नहीं है, ऐसा कोई इशू?
क्या नाम है आपका? युवराज। यहाँ का खाना कैसा है? यहाँ का खाना बढ़िया है, दिन में 4 टाइम खाना मिलता है और फल भी शामिल हैं, कभी कभी पकवान भी मिलते हैं, और संडे को देखेंगे तो अच्छा खाना मिलता है, त्यौहार पे भी बढ़िया खाना मिलता है, और हर तरह का मतलब खाना इसमें शामिल है, मतलब हर प्रांत का जो खाना है वो भी मिलता है। इस कॉलेज का हॉस्टल अभी भी एकेडमिक ब्लॉक के ऊपर बनाया हुआ है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल को अलग अलग बनाया हुआ है। ये बिल्डिंग हॉस्टल की बन रही है जो कि आपके सामने है। पिछले एक साल पहले जब मैं इस कॉलेज में आया था तो आपने देखा होगा कि हर्बल गार्डन में जो पौधे थे वो बहुत छोटी छोटी थी, और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये कितनी बड़े हो चुके हैं। तो ये हमारे चरक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का हर्बल गार्डन है जो कि आप देख पा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है और मैं क्रिया डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ। सर, ये चरक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? ये एक्चुअली जो कॉलेज है हमारा मेरठ हापुड़ रोड पर NCR कॉलेज के सामने सिचुएटेड है, और जैसे आप हापुड़ से मेरठ की तरफ जाते हैं तो गाँव पांची में हमारा कॉलेज ऑन रोड ही पड़ता है। सर, इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं? हमारे पास जो परमिशन है वो 60 सीट्स की है, 60 सीट्स। जो पिछले बैच की सीटें थी वो भी 60 सीट्स की थी? हाँ जी, सभी 60 सीट्स हमारे पास पिछले बैच में फुल है। क्योंकि पिछले साल भी मैंने आपके इस कॉलेज की वीडियो बनाई थी, लोगों तक पहुंचाया था कि कितनी सीटें हैं, कहां से एफिलेटेड है, इस बार कहां से एफिलेटेड है? क्योंकि पूरे ही यूपी के जो कॉलेज हैं वो आपके यूपी आयुष यूनिवर्सिटी जो गुरु गोरखनाथ के नाम सर है उसी से ही एफिलेशन सबको मिला है, और हमारा कॉलेज भी उसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसके अलावा हमारे पास 60 सीट्स हैं और जिसमें एडमिशन अभी चल रहे हैं। एकेडमिक फीस क्या है इस कॉलेज की? हमारे कॉलेज की जो फीस है वो 2,04,600 रुपये पर ईयर। इसके अलावा हमारी 75,000 सिक्योरिटी फीस है जो कि आपकी रिफंडेबल है आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ कोर्स, तो वो आप अपने फाइनल की फीस में एडजस्ट करा सकते हैं या फिर इसके अलावा आप उसको रिफंड भी ले सकते हैं। और हमारा जो हॉस्टल के चार्जेस है वो 90,000 पर ईयर। ओके सर, थैंक यू सर।